हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इसमें वर्ड्स विद मीनिंग्स मैंने आपको कराया है, वो इसलिए ताकि क्योंकि कई बार जो है ये वर्ड जो है यूज़ होते हैं आपके पेपर में, कई बार सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो आपको पता नहीं चलता किस तरीके से हम वर्ड को यूज़ करें, या फिर आपका कई बार अनसीन पैसेज में इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको मीनिंग्स पता नहीं रहते, फिर कई बार सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ये तो है नहीं आपके जो आपने पढ़े हैं वही आ जाएं, तो कई बार इनमें से भी पूछा जाता है तो आपको मीनिंग्स पहले पता होने चाहिए। ईडियम्स में कई बार यूज़ होते हैं ये तो आपको पता नहीं चलता, तो आपको ये सबके पहले मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको 50 वर्ड्स करा रही हूँ विद मीनिंग ताकि आपको मीनिंग्स पता रहे और आप इसको अप्रोप्रिएटली आगे अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो नाउ। फर्स्ट वर्ड मैं आपका लेती हूँ निप्ड इन द वर्ड। निप्ड इन द वर्ड का मतलब है टू पुट एन एंड टू समथिंग बिफोर इट डेवलप्स, मतलब कि बढ़ने से पहले ही किसी को ख़त्म कर देना, ठीक है, इसका मतलब होता है निप्ड इन द वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है हॉरिबल, जो कि भयानक, भयवय, ठीक है, उसका मतलब है ग्रोटेस्क। थर्ड वर्ड मैं आपका लेती हूँ विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब है आपका एन अनएक्सपेक्टेड और सडन गेन, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड और सडन गेन, मतलब अचानक से प्राप्त हुआ लाभ, उसको बोलते हैं विंडफॉल। फिर फोर्थ वर्ड है आपका गिव अप द गोस्ट। गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है। फिफ्थ है आपका व्राई फेस, जो कि है डिसअपॉइंटेड लुक, निराश दिखना, इसको बोलते हैं व्राई फेस। नेक्स्ट है सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी, समाज का जो अनैतिक भाग होता है उसको बोलते हैं हम सीमी साइड ऑफ लाइफ या फिर इमोरल साइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गुड समार्टियन। गुड समार्टियन मीन्स वन हु हेल्प्स एवरीवन, ठीक है, मतलब होता है इसका नेकी करने वाला, ठीक है, परोपकारी बेसिकली, उसको बोलते हैं हम गुड समार्टियन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑगस्ट आइड। ऑगस्ट आइड का मतलब होता है केयरफुल ऑब्जर्व, ठीक है, केयरफुल या फिर ऑब्जर्वेंट, मतलब कि सतर्क या फिर चौकस, उसको बोलते हैं हम ऑगस्ट आइड। नेक्स्ट वर्ड इज आपका बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसको हम बोलते हैं अनुभव से, ठीक है, अनुभव से कोई चीज बोलना या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, तो उसको बोलते हैं बाय द रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट वर्ड इज विद हाई हैंड। विद हाई हैंड का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है, सख्ती से, सख्ती से, तो उसको बोलते हैं हम विद हाई हैंड। अब आपका नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रो अ स्पैनर। थ्रो अ स्पैनर का मतलब होता है टू सैबोटेज अ प्लान, ठीक है, किसी भी प्लान को जो है चौपट कर देना, उसको बोलते हैं हम थ्रो अ स्पैनर, सैबोटेज अ प्लान, सैबोटेज मतलब चौपट कर देना। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन, ठीक है, किसी पर शंका होना, तो उसको बोलते हैं टू बी अंडर सस्पिशन, सस्पिशन मतलब शंका। फिर है आपका ब्रिंग टू द बुक। ब्रिंग टू द बुक का मतलब होता है टू पनिश, ठीक है, सजा देना, उसको बोलते हैं ब्रिंग टू द बुक। फिर है आपका वर्ड अंडर द रोज। अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेटली, जो कि चुपके से, उसको बोलते हैं अंडर द रोज। फिर आपका वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड, जिसको हम बोलते हैं बेलगाम भी बोल देते हैं इसको हम, तो रैम्पेंट इज अनकंट्रोल्ड या फिर बेलगाम। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका 15th वर्ड। 15th वर्ड इज हार्ट ब्लीड, ठीक है, HEARTBLEED। हार्ट ब्लीड का मतलब होता है फील जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन, मतलब किसी के लिए संवेदना महसूस करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ट ब्लीड। अब आपका 16th वर्ड है। 16th वर्ड है आपका क्लोवन हूफ, ठीक है, क्लोवन हूफ का मतलब होता है ईविल डिजायर, मतलब गलत इच्छा, ठीक है, ईविल डिजायर। फिर आपका वर्ड है आपका चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, जो अपने माता पिता की ही तरह हो, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट वर्ड है आपका केव इन। केव इन का मतलब होता है यील्ड, ठीक है, That is yield, मतलब हार मान जाना या फिर दबाव में आ जाना, उसको बोलते हैं cave in, ठीक है।
फिर आपका है इन अ वे, इन अ वे का मतलब होता है आपका होपफुल, ठीक है, इन अ वे मतलब होपफुल, आशावादी। अब आपका है नेक्स्ट वर्ड डू अवे विद, डू अवे विद में मतलब गेट रिड ऑफ या फिर छुटकारा पाना, इसको बोलते हैं डू अवे विद। नेक्स्ट वर्ड इज टेक लाइंग डाउन, टेक लाइंग डाउन का मतलब आपका क्या होता है, टेक लाइंग डाउन का मतलब होता है एक्सेप्ट इंसल्ट, बेइज्जती स्वीकार करना, उसको बोलते हैं हम टेक लाइंग डाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज कम होम टू, कम होम टू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, उसको बोलते हैं कम होम टू। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल या फिर नो चॉइस एट ऑल, वास्तव में कोई भी विकल्प का ना होना, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट वर्ड इज नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, ठीक है। फिर आपका वर्ड है ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है आ एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, मतलब क्या है, शिक्षित तो है पर लेकिन अपने ज्ञान का जो ज़्यादा दिखावा करने वाली महिला होती है उसको बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब होता है डैट मैनी पीपल नो बट इट इज स्टिल सपोज टू बी अ सीक्रेट, मतलब कि जो गुप्त सूचना ऐसी हो जो कई लोग जानते हो लेकिन फिर भी वो गुप्त हो, ठीक है। जैसे आंटी लोग होती हैं ना, कहते हो आप लोग चुगली करती हैं, इधर से उधर बात करती हैं, फिर क्या बोलती हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि भैया सीक्रेट है, आगे पास नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से होता तो वो सीक्रेट है लेकिन वो बंद किया जाता है, ओपन सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज गुड समार्टियन, गुड समार्टियन का मतलब होता है आपका द वन हु हेल्प्स एवरीवन, ठीक है, जो कि नेकी करता है या फिर परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड इज डे इन डे आउट, डे इन डे आउट का मतलब क्या होता है आपका, डे इन डे आउट मतलब होता है फॉर इनडेफिनिट नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज, मतलब कई दिनों तक लगातार करना, ठीक है, फॉर इनडेफिनिट नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज। फिर आपका वर्ड है टर्न ओवर अ न्यू लीव, टर्न ओवर अ न्यू लीव मतलब है टू चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए परिवर्तन होना, इसको बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीव, टू टर्न फॉर या फिर चेंज फॉर बेटर। फिर आपका वर्ड आता है क्वैक, क्वैक का मतलब होता है द वन हु प्रिटेंड्स टू बी मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि झोला छाप डॉक्टर बैठे होते हैं ना कहीं गांव में, अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, ना कोई डिग्री है ना कुछ है, झोला छाप बेसिकली, तो उसको बोलते हैं क्वैक। फिर आपका है आपका वर्ड कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, दोषी, तो उसको बोलते हैं आप कल्प्रिट। फिर आपका वर्ड है बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से, उसको बोलते हैं बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं आपका ब्रू, ब्रू मतलब होता है टू स्टार्ट टू फॉर्म, ठीक है, बनना शुरू होना, उसको बोलते हैं ब्रू। फिर आता है मूड पॉइंट, मूड पॉइंट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, वाद विवाद का मुद्दा, जिसको बोलते हैं हम मूड पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड इज फेदर वंस नेस्ट, मतलब टू अर्न डिसऑनेस्टली, गलत तरीके से कमाना, उसको बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज करी फेवर विद, टू करी फेवर विद मतलब टू विन फेवर ऑफ, कि कृपा दृष्टि से, किसी की कृपा दृष्टि से जीतना, उसको बोलते हैं, या फिर किसी की कृपा दृष्टि जीतना, उसको बोलते हैं विन फेवर ऑफ, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मीन्स अनरिस्ट्रेंड मतलब बेलगाम, ब्रिडल मतलब लगाम होता है, अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम। एक्लॉन्स, एक्लॉन्स का मतलब क्या होता है, अ लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, किसी भी विभाग इत्यादि में पदों का स्थान, उसको बोलते हैं हम एक्लॉन, ठीक है। जैसे कि आपकी कंपनी है उसमें GM है आपका, मैनेजर है आपका, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके पद होते हैं, ठीक है, लेवल होते हैं, उसको बोलते हैं एक्लॉन। द नेक्स्ट वर्ड इज बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ मीन्स बाय द पावर ऑफ, किसी के बल पर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ। वेटरन का मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड। अब आपका नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, या फिर अनुभवी, मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है बाय अ लेमन, बाय अ लेमन मतलब टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस, बेकार की चीज खरीदना, वो होता है बाय अ लेमन, ठीक है। फिर आपका वर्ड है आपका पुल वूल
ओवर द आईज, मतलब टू पुल वूल ओवर द आईज, मतलब टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना या चीट करना, उसको बोलते हैं टू पुल वूल ओवर द आईज. नेक्स्ट वर्ड इज डाउन एंड आउट. डाउन एंड आउट का मतलब क्या होता है आपका? डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड रूइंड, ठीक है, गरीब और बर्बाद. गरीब और बर्बाद को बोलते हैं आपका डाउन एंड आउट. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज बेयर फेस्ड लायर्स. बेयर फेस्ड लायर्स का मतलब होता है शेमलेस लायर, बेशरम तरीके से झूठा व्यक्ति, उसको बोलते हैं आपका बेयर फेस्ड लायर्स. इन कहोट्स, इन कहोट्स का मतलब क्या होता है? इन कहोट्स मतलब इन कॉन्स्पिरेसी विद समवन, किसी के साथ षड्यंत्र में, ठीक है, उसको बोलते हैं इन कहोट्स. कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, किसी के साथ षड्यंत्र में शामिल होना, मतलब इन कॉन्स्पिरेसी विद समवन. अब है आपका नेक्स्ट वर्ड अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज रेवर्ड. रेवर्ड मतलब रिस्पेक्टेबल. रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, ओके, सम्माननीय, जिसको हम बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं रेवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कॉक अ स्नूक. कॉक अ स्नूक मीन्स टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, असम्मान या अवमानना दर्शाना, उसको बोलते हैं आपका कॉक अ स्नूक. सो गाइज ये थे आपके 50 वर्ड्स जो मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल के लिए. अब नेक्स्ट से 50 वर्ड्स जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. आई होप आपको ये समझ आए होंगे और इसके मीनिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे. सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और अच्छे से इनको पढ़िए, ठीक है.